इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को कॉल डायलर के अंदर हाइड करके रख सकते हैं। दोस्तों आप जो डायलर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके अंदर आप अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को कैसे छुपा सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम डायलर की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो ये आपको कैसे डाउनलोड करनी है ये वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर 6 डिजिट का पिन बनाना है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक पिन। तो ये मैंने पिन बना दिया, कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलर ओपन हो जाएगा। आप इसका दोस्तों नॉर्मल डायलर में भी यूज़ कर सकते हैं किसी को कॉल करने में, लेकिन जब आप वो पिन डालेंगे जो हमने 6 डिजिट की बनाई थी, तो ये वाली थीम कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में समझा देता हूँ। सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलता है आप रीसेट पिन कर सकते हैं अगर इस एप्लीकेशन का भूल गए आप पिन। आप इस एप्लीकेशन का जो है आइकन चेंज कर सकते हैं इस डायलर का, और दोस्तों यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगा दिया है। अब आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को इसके अंदर कैसे छुपा सकते हैं, आपको प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इम्पोर्ट हाइड पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऊपर की तरफ प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर लिखा आ चुका है इंस्टाग्राम डुअल। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बाहर से अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को जो है डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा, ऐप्स इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ पर जो है मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूँगा। देखिए दोस्तों अनइंस्टॉल मैंने कर दिया है इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन अपने मोबाइल से बाहर से। तो अभी देखिए आइकन गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आइकन गायब हो चुका है इंस्टाग्राम का। तो जब भी मुझे इंस्टाग्राम ओपन करना होगा मैं डायलर वाली एप्लीकेशन ओपन करूँगा, यहाँ पर पिन डालूँगा। पिन डालने के बाद मैं इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा सिंपल, और यहाँ पर लॉन्च डुअल पर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा हमारे नीचे की तरफ 2 ग्रैंड पर आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको अलाउ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ऊपर की तरफ जो है दोस्तों प्रोसेसिंग हो रही है। ये प्रोसेसिंग कम्प्लीट होने के बाद दोबारा से आपको ये ऑप्शन आएगा दोस्तों 2 ग्रैंड का, नीचे की तरफ देख सकते हैं। इसको दोबारा क्लिक कीजिए और अलाउ पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर जो है आपकी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर आपके सामने एक ऐड आएगा दोस्तों। ऐड को जैसे ही आप स्किप करेंगे और आपकी जो है इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ओपन होने से पहले यहाँ पर दोस्तों ये फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम ले सकती है, 2 से 3 सेकेंड का। जैसे ही आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी इंस्टाग्राम की। अब दोस्तों मैं इसको दोबारा से आपको ओपन करके दिखाता हूँ बैक करके। तो ये फर्स्ट टाइम था इस वजह से इतने टाइम लिया है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन, यहाँ पर सबसे पहले एक ऐड आएगा। दोस्तों ऐड हर बार आता है, इसको स्किप करा और सिंपली दोस्तों इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को कॉल डायलर के अंदर छुपा सकते हैं दोस्तों, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इंस्टाग्राम ओपन कर रखा है अपने मोबाइल के अंदर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है ऐप्स हाइडर। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे नीचे की तरफ दोस्तों आना है आपको 5th नंबर की एप्लीकेशन, देख सकते हैं डायलर लॉक ऐप्स हाइडर। ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको डाउनलोड करनी है। इसके अंदर आप इंस्टाग्राम की नहीं कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करके रख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताना। अगर इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।